दे छोटू साबुन की दुकान। अब चल आवाज लगा। ए चला छोटू दादा साबुन वाला। ए चले साबुन ला साबुन। ए चले एक से बढ़ के एक साबुन। ए चले मौके का फायदा उठा, सस्ते में साबुन लेके जाओ। ए चला आ गया छोटू दादा साबुन वाला। क्या रे पहलवान, अबे सुबह सुबह दुकान के सामने पुजारा मैं दुआड़ी पहला रह गया, क्या निकल जाते। अरे दादा एक आधी अच्छा साबुन होगा तो दे बा, जिससे मेरी खुजली चल जाए। अरे पहलवान मेरे पास ऐसा कोई भी साबुन नहीं है जिससे तेरी खुजली चल जाएगी। फिर कैसे जाएगी रे खुजली? अरे तू ना सरकारी दवा गले में जा। आप ना कुत्तों की खुजली का पाउडर आए ले, वो पाउडर ना तू तेरे आंख पे मल ले, उससे तेरी खुजली चल जाएगी। ए छोटू बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत गिरा के बोल रहा है तुम्हें को। और सुन ले सबके दिन पलटते, और सुन जब दिन पलटेंगे ना तो यही पहलवान तेरे कुत्ते की खुजली वाला पाउडर ला के देगा और पूरा नीचे से ऊपर तक के मलेगा। अरे पहलवान, अरे जब दिन पलटेंगे ना जब का जब देखेंगे। ये लोग ये पहलवान को काली जबान का बोलते हैं। अगर मैंने बोल दिया ना तो शाम तक के तेरा धंधा चौपट होगा तो हो के रहेगा। अरे कौवे के कोसने से किसी का ढोर नहीं मरते। ऐसा पहलवान से पंगा ले रहा ना, पहलवान की जबान पे भरोसा नहीं कर रहा। चल जा रहा अभी मैं, शाम तक के तेरा धंधा चौपट होना ही होना है। अबे निकल। चला चूड़ू दादा साबुन वाला। चले एक से बढ़ के एक साबुन लो। चला साबुन वाला साबुन। ये दादा देखा क्या मेरे मस्त वाले बाल, मेरे पास ऐसी कोई साबुन है क्या जिसको लगा लेते मेरे बाल एकदम मुलायम हो जाए। अरे झिपड़िया बहू मुलायम बाल की बात कर रहा, मैं तुमको ऐसा साबुन दूंगा ना कि तेरे बाल बाल ही नहीं रहेंगे। क्या बोला? अरे मेरा मतलब है तेरे बाल है ना रेशम के जैसे मुलायम हो जाएंगे। अरे ऐसा मेरा मुसाड़ा क्या देख रहा है, तेरा साबुन जल्दी से टेम नहीं है मेरे पास। झिपरे जरा आगो बात कम कर दे रहा। ये ले निकाल 100 रुपए। अबे ये इतने से साबुन के बट्टे के 100 रुपए, बाजार में 10-10 रुपए के बिकते वो भी 3-3। अबे वो साबुन से रेशम जैसे बाल नहीं निकलते, काटे जैसे बाल हो जाते ना। चल ठीक है बेटा, मेरे बालों के हाथ तेरे को 100 रुपए, मेरे बालों से बहुत प्यार करता हूँ मैं। ये ले इसको लगाने से मेरे बाल रेशम के जैसे हो जाएंगे ना छोटू। अरे जा क्या बोलूं चला, अब ये झिपरिया के बाल रेशम के जैसे होते क्या, बाल ही गायब हो जाते। ये साबुन तो मैंने भी यूज नहीं करा। चला आ गया छोटू दादा साबुन वाला। चले सस्ते साबुन लेके जाओ, मौके का फायदा उठाओ। चला आ गया छोटू दादा साबुन वाला। चले एक से बढ़ के एक साबुन लो। इधर पलट। अरे आई दी बकरो, जितना बोल रही उतना करो। चलो सीधे मुनि करके छोटू, ये कमला का अमला ये धक्के मारते किसको ला रहा, तो ये तो तेरे पास ही लेके आ रहा इनको। चलो ना चल बोरी गात के। हाँ ए छोटू, अरे क्या टुकुर टुकुर देख रहा, चंदर रखे ज्यादा। चल ला दो बट्टी दे खुशबू वाली, इनको नहलाने का है मेरे को। अरे वो सब तो ठीक है कमला, अरे पर ये दोनों कौन है? कौन है? अरे मेरे बेटे है ये दोनों। अरे पर कमला तेरी शादी कब हुई? अरे शादी नहीं हुई रे मुए, मैंने इनको ना गोद लिए ली है। अरे वो सब तो ठीक है पर ये दोनों को लायक है कोई यहाँ पे? तेरे को क्या बताऊँ बा, ये दोनों है ना दो दो महीने तक नहाते नहीं। अरे इनके आंख में से है ना ऐसी घुर्रट पटक बास आती बोकुड़ के जैसी। आज तो मैंने ठान ली कि मैं छोटू की दुकान पे लेके जाऊंगी और खुशबूदार साबुन से उनको वहीं नहीं लाऊंगी। ए मुए तू इतना खोल पानी में क्यों जा रहा होगा, मैंने बोली ना तेरे को दो बट्टी साबुन दे बस। पकड़े रे। ए बैठो रे यहाँ पे, हिलना मत है। अरे यहाँ का बिठा रहे दोनों को? यहाँ काहे को बिठा रहे? अरे यहाँ ही नहीं लाऊंगी मैं उनको। हाँ और तू ध्यान दे बेटा, कभी ये दोनों भागे ना तो सोच ले फिर तेरा क्या होगा आरी में पानी लेके। हाँ तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा? मैं तो इसलिए हर बार वन एक्स बेट पर ही अपनी अच्छी विनिंग करता हूँ। एशिया कप जोर शोर से चल रहा है, आप क्यों ये पैसे कमाने के मौके को गवाना चाहते हो? तो आइए वन एक्स बेट पर, यहाँ है सबसे तेज विड्रॉल एंड डिपॉजिट एंड यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस, बहुत सारे प्रोमोस यहाँ मिलेंगे। यहाँ
ना जीएसटी का झमेला है ना किसी और टैक्स का, तो आइए बेफिक्र होके खेलिए दिल खोल के 1x बेट पर, और आपको टूर्नामेंट में हारने पर 10% कैश बैक भी मिलेगा। यहाँ पे आप एकदम रिस्क फ्री बेटिंग कर सकते हो, तो क्लिक करो मेरे लिंक पर, मेरा प्रोमो कोड छोटू दादा यूज करो, आपको 26,000 रुपए का गारंटेड बोनस मिलेगा। आरी में पानी लेके अबे लवत बैठो यहाँ पे बैठो कहाँ जा रहे बैठो नीचे बैठे अरे मेरे छोटू क्या भारी काम करा, भागा नहीं दिया इनको। नहीं नहीं हुआ। अबे चुप है। ए कमला, अरे नीला इनको। नहीं नहीं हुआ। अरे ये मैं बीमार पड़ गया। अरे बीमार पड़ गया। अबे चुप। ए जनाजे, चुप पे ना ना। हाँ, अम्मा नहीं ला रही तेरे को, खामोश बैठ। मैं बीमार पड़ गया। ए छोटो संभाल रहे इसको, अब मैं इसको देख के बुरी रात के को। ए रो रो के डरा रखा मेरे को, बेटा डरने वाली नहीं, कमला नाम है मेरा। ए छोटो ठिका रहे इसको। नीला कमला तू। ए जनाजे, उसको नीला रही, तू क्यों रो रहा रे? अरे मेरे बच्चों रो मत ना, देखो कैसे कौवे के कद काले हो गए। अरे मैं तुमको निला रही ना, एकदम हंस बन जाएंगे गोरे पटक, तुम ऐसे नहीं मानेंगे। बड़े मासूम बच्चे अरे मेरे, पर छोटू तूने है ना बहुत भारी काम करा है, तेरे पे वारी वारी जाऊं रे मैं। हाँ? आज के बाद है ना, मेरे को इनको जब भी निलाने करेंगे तेरी दुकान पे लाऊंगी, तेरे से साबुन लूंगी और यहीं बैठा के निलाऊंगी। हाँ? चल चलती मैं। ए चला छोटू दादा साबुन लाला, ए चले एक से बढ़कर एक साबुन लो, ए चला साबुन लाला साबुन। हाँ बोलो क्या दूँ? ये साबुन तेरे पास का है क्या? अरे हाँ, अरे ये साबुन मेरी दुकान का है, 101% मेरे पास का है। बोलो कितने दूँ? एक मिनट यार, इसके बाल एकदम सीधे थे, तेरा साबुन लगाने से इसके बाल देख कैसे हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे कौवे का घोपा हो गया घोंसला उसका। अरे साहब वो मेरे बालों का छोड़ो, अरे इसकी साबुन से मेरी औरत ने मुंह धोई और पूरा मुंह काला हो गया उसका। अब देख रहा क्या ऐसा? बोलता कुछ? अरे वो सब छोड़, अरे पहले तू ये बता, वैसे तूने दिन में से कितनी बार लगाया रे साबुन? सिर्फ 4 डैम। हां 4 बार? अरे देखो कितना बड़ा उतावला है ये, अरे दिन भर में कई 4 बार साबुन लगाती क्या? अरे तुमने साबुन दिए थे तो बताए थे क्या कितनी टाइम नहाना और कितनी टाइम नहीं नहाना? अबे मैंने तेरे को क्या गोली दवा दिया क्या? क्या ये एक टाइम खाना दो टाइम खाना? अरे मेरे को लगा दिन भर में तू एक बार नहाएगा ये साबुन से। मैं बोलता साबुन की बड़ी स्टोर लेके बैठा, अरे फुटपाथ पे तो धंधा है मेरा। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो झूठ फसाद बोल के साबुन दिया तूने। अगर तू फुटपाथ पे धंधा करा तो झूठ फसाद बोलेगा? अरे धंधे पानी में झूठ फसाद बोलना ही पड़ता। तू पहचानता मेरे को, मैं कौन है? कौन हो तू? तू पुलिस है? हाँ मैं पुलिस है, और अब तू जेल में जाएगा। दोस्तों अगर आपको छोटू दादा साबुन वाला ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों अच्छी अच्छी कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।